हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स बाय माहिरा। और आज मैं आपके पास एंटीमेट एलोवेरा एंड विटामिन ई फेशियल ऑयल कैप्सूल्स का रिव्यू करने वाली हूँ। एंड आपको मैं इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स भी बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आप किस किस तरह से इन कैप्सूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं आपकी स्किन को एंड आपके हेयर को भी। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दोस्तों, ना ही मुझे इसकी कोई स्पॉन्सरशिप मुझे मिली है। मैं इसे यूज़ करती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं इसके यूजेस आपको भी बताऊं एंड समझाऊं ताकि आप भी इसके बेनिफिट्स ले सकें, क्योंकि मैं वही प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूं जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूं और जिन्हें जो प्रोडक्ट्स ने मुझे फ़ायदा किया है उन्हीं का मैं रिव्यू करती हूं। अदरवाइज़ मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को उठा के या उसका फेक रिव्यू ऐसा कुछ मैं नहीं करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है एंटीमेट कंपनी का एलोवेरा एंड विटामिन ई 60 सॉफ्ट जेल इनटू 4 ग्राम फेशियल ऑयल। यानी कि इसमें जो कैप्सूल्स है वो टोटल 60 कैप्सूल्स हैं और हर एक कैप्सूल में 4 ग्राम का ऑयल्स भरा हुआ है, जो कि ये है फेशियल ऑयल। और इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दूँ, इस प्रोडक्ट का प्राइस है कुछ 160 रुपीज़। इस प्रोडक्ट का प्राइस है एंड शेल्फ लाइफ इसकी है 3 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है दोस्तों। एंड इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही है इसमें, कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल्स वाले इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है। इसमें विटामिन ई है, एलोवेरा है, गैलेटिन है, ग्लिसरीन प्योरीफाइड, डी आयोनाइज्ड वाटर, फ्लेमेंको सेटिनो पाउडर, जैस्मिन फ्रेग्रेंस, सोयाबीन ऑयल, FC एंड रेड सीड एट नंबर 40, ये सब हैं इसमें। एंड इसे चिल्ड्रेन बच्चों से आप इसे दूर ही रखिएगा ताकि वो इसे खा ना ले। इन कैप्सूल्स को दोस्तों खाया नहीं जाता है, इन्हें यूज़ किया जाता है, और कैसे यूज़ करना है वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए इस प्रोडक्ट ये दावा क्या करता है सबसे पहले वो बात करते हैं। तो इस वेले आडी एंटीमेट एलोवेरा फेशियल ऑयल इज़ अ ब्यूटिफुली एनरिचिंग विटामिन ई ऑयल विथ एलोवेरा। दिस इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन फॉर डिमिनिशिंग द अपीयरेंस ऑफ एज लाइन्स कॉज्ड बाय द सन इन द स्किन्स natural aging. When used daily, this product will help your skin feel silky smooth and healthy all over. तो ये इस कैप्सूल में ये कहा गया है कि इस कैप्सूल में एक कैप्सूल कैप्सूल्स कुछ इस तरह के होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। कैप्सूल्स कुछ इस तरह के होते हैं दोस्तों, जस्ट सी द ऑल द कैप्सूल्स हैविंग इन माई हैंड, देख सकते हो आप, ये गोल्डन कलर के कैप्सूल्स में आते हैं। बहुत तरह के कैप्सूल्स आते हैं इसके, एलोवेरा का एक और स्पेसिफिकली अलग से आता है, वो ग्रीन कलर में होता है। मैंने ये परचेज़ किया है क्योंकि ये मुझे काफ़ी सूट करता है। ऑयली स्किन वालों के लिए कैप्सूल्स नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन, वेरी ड्राई स्किन वालों के लिए है। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ऑल स्किन टाइप्स नहीं, कैप्सूल्स नहीं है ये। ये है वेरी ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन वाले इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इन कैप्सूल्स को यूज़ कैसे करना है वो आपके मैं आपको बता देती हूँ। इन कैप्सूल्स को हमें खाना नहीं है, इन कैप्सूल्स को हमें यहाँ ये जो ऊपर की सतह देख रहे हो ना आप, इस ऊपर की सतह को आप सीजर से हल्का सा कट कर दो एंड आप इसे ऐसे स्क्वीज करोगे तो सारा ऑयल निकल आएगा इससे, सारा ऑयल जो इसके अंदर है सारा ऑयल इससे निकल आएगा दोस्तों। एंड आप इसे जस्ट ऐसे स्क्वीज कर दोगे, इसे यहाँ से कट कर दोगे एंड इसे स्क्वीज करोगे तो सारा ऑयल निकल आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसके यूजेस क्या हैं एंड बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके यूजेस ये हैं, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों को इसे यूज़ करना है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। एंड इसके इस तरह के पैकेजिंग में आता है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप इसे लेकर ट्रैवल भी कर सकते हो। ट्रैवल करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके यूजेस इतने कमाल के हैं ना कि आप इसे लेकर ट्रैवल करना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस एक चीज़ में। हम महंगे महंगे क्रीम्स खरीदते हैं अपने फेस को, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए, सनबर्न से बचाने के लिए महंगे महंगे सनस्क्रीन खरीदते हैं, डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए महंगे महंगे क्रीम्स एंड पता नहीं क्या क्या कैप्सूल्स वगैरह, क्या क्या ट्रीटमेंट हम कराते हैं अपनी स्किन को टाइटन रखने के लिए एंड एजिंग के लिए, जिनको प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है, जिनको ब्लेमिशेस झाइयाँ हो जाती हैं, हाइपर पिगमेंटेशन फेस पे हो जाते हैं,
उनके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट कराते हैं, महंगा महंगा फेशियल कराते हैं, बट आपको मैं इन कैप्सूल्स के बारे में बता दूँ दोस्तों, तो फिर आपको कहीं भी फेशियल वगैरह ऐसा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका एक कैप्सूल लो आप रात में, हल्का सा कट कर दो, उसका ऑयल निकाल दो, उस ऑयल को अपने आँखों के दोनों आँखों के चारों ओर अच्छे से मसाज करके, हल्के हाथों से फिंगर से अच्छे से मसाज करके रात भर सो जाओ। डार्क सर्कल्स कुछ ही दिन में आपके डिसअपीयर हो जाएंगे। डार्क सर्कल ऑलमोस्ट 96% तक डार्क सर्कल्स उसके आपके आँखों से हट जाने वाले हैं, सारे डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, इसमें विटामिन ई है एंड एलोवेरा है, सोयाबीन ऑयल है, एंड ये सब सारे जो ऑयल होते हैं ना, ये कालेपन को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। विटामिन ई एंड एलोवेरा, जो कि एलोवेरा में सब कुछ है, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है, सब कुछ है एलोवेरा में, आपकी अनइवन स्किन टोन को इवन करने में भी बहुत ही मदद करता है ये कैप्सूल। तो आपको यूज़ कैसे करना है, एलोवेरा जेल ले लो और उसमें 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ले लो, एंड उसमें एक कैप्सूल इसका आप डाल लो, एक कैप्सूल का ऑयल एक्सट्रैक्ट करके इसका आप डाल लो, अच्छे से मिक्स करके पूरे फेस पे रात में अच्छे से मसाज कर लो अपने फेस पे, एंड मसाज करके सो जाओ। ये एज अ नाइट क्रीम आपके स्किन पे एक्ट करेगा, एंड 5-in-1 इसके बेनिफिट्स आपको होने वाले। मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करेगा, टाइटन करेगा आपकी स्किन को, एंड अनइवन स्किन टोन को इवन टोन करेगा, टैनिंग रिमूव करेगा, एंड सबसे अच्छी बात कि आपके कम्प्लेक्शन को ये फेयर करेगा। ये हो गया इसका दूसरा यूज़। अब इसका तीसरा यूज़ मैं बता दूँ, अगर आपकी एड़ियाँ फट रही हैं ठंड में बहुत ज़्यादा, वैसलीन पेट्रोलियम जेली आप ले लो थोड़ा सा, उसमें ये एक कैप्सूल का ऑयल जिस तरह से मैंने बताया ऊपर से हल्का सा कट कर दो, एंड उसका ऑयल निकल आएगा स्क्वीज़ करके वैसलीन पेट्रोलियम जेली में आप डाल दो, एंड उन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपनी पूरी एड़ियों पे आप उसे लगा लो, कुछ ही दिन में आपकी एड़ियाँ हील आउट हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपके नाखूनों में चमक नहीं है, हैंड्स के नाखून में, नेल्स में, एंड आपके पैरों के नेल्स में चमक नहीं है, तो उस पर भी आप इसे नेल्स पे मसाज करके आप सो जाओ, कुछ ही दिन में आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। बहुत ही जो नेल्स के इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो सबको ये प्रिवेंट करने वाला है। आपकी स्किन को ये स्मूथ बनाता है, सिल्की बनाता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये एक और है, आपके पास कोई भी रेगुलर हेयर ऑयल जो आप यूज़ करते हो दोस्तों, उसमें इसके जब आप हेयर ऑयल ऑयलिंग करने जाते हो जब आपने हेयर पे, तो तेल को गरम कर लो, कोई भी तेल आप ले लो, चलो कोकोनट ऑयल ही आप ले लो, उसको अच्छा हल्का सा आप गुनगुना गरम कर लो, और उसमें इसके 1 या 2 कैप्सूल आप उसमें डाल दो, यानी कि ऊपर से कट करके स्क्वीज़ करके उसका ऑयल, कैप्सूल का ऑयल आप उसमें डाल दो दोस्तों, एंड ये आपके हेयर को ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। ये आपके स्कैल्प को, फिर आप उसको ऑयल को अच्छे से पूरे स्कैल्प में, हेयर में पूरे अच्छे से फ्रॉम रूट टू द टिप आपको मसाज करना है, और ये आपके पूरे स्कैल्प को नरिश करेगा, आपके हेयर को हेल्दी बनाएगा। सबसे अच्छी बात कि अगर आपके बाल टूट रहे हैं और रीग्रो नहीं हो रहे, उससे हम हेयर फॉल कहते हैं, तो ये हेयर फॉल को प्रिवेंट करेगा, आपके बालों को रीग्रो करेगा। सबसे अच्छी बात इस कैप्सूल में ये है। अनेकों फ़ायदे हैं दोस्तों इसके। और उसके बाद अगर आपको एकेन वगैरह की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, तो जहाँ जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ वहाँ पे इस कैप्सूल का ऑयल आप एक्सट्रैक्ट करके निकाल लो, और वहाँ वहाँ पे आप इस ऑयल को मसाज करके सो जाओ। एकेन डार्क स्पॉट्स से आपको निजात मिल जाएगी, बहुत ही जल्दी वो इसे क्योर करेगा। ऑयली स्किन वालों के लिए ये कैप्सूल्स नहीं हैं, क्योंकि उनकी स्किन ऑयली होती है, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसमें किसी भी चीज़ को मिक्स नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट भी आप इस कैप्सूल के ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई करके आप सो सकते हो। ध्यान रहे कि कुछ भी अप्लाई करने से पहले फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, चाहे आप क्लेंजर से क्लीन करो, फेस वॉश से क्लीन करो, एनीथिंग, आपको हाथ भी अच्छे से वॉश होना चाहिए एंड फेस भी पूरा क्लीन होना चाहिए, तब जाके ये आपके पोर्स के अंदर जाके उसे अच्छे से ये काम करेगा, या कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो वो अपना वर्क ऐसे ही करेगा। तो ये हो गए इस कैप्सूल्स के यूज़ दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ आपको इसके कुछ आपको नॉलेज मिली हो, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड
वीडियो पसंद आया तो इसे ढेर सारा शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको और कौन से ऐसे ब्यूटी टिप्स चाहिए, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, देन प्लीज़ डू कमेंट। मैं जल्दी से जल्द आपके रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करूँगी। आई विल बी सून विथ माई नेक्स्ट वीडियो। जिस तरह का ये बेनिफिशियल वीडियो है उस तरह का वो भी होगा। टिल देन बाय।